थर्ड थर्ड हमने पढ़ना रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तुमने पत्ता गोभी देखी होगी, पत्ता गोभी जनरली क्या होती है, ग्रीन कलर में होती है, लेकिन एक ना पर्पल से कलर में भी आती है। तो उसे उस कैबेज के लीव से, उस कैबेज को निचोड़ के जो करते लिक्विड निकलता है वो रेडिश कलर में होता है, जैसा उसका होता है बीट रूट का, चुकंदर नहीं होती, चुकंदर का जो कलर होता है उस तरह का कलर का निकलता, तो उसे हम कहते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ध्यान रखना, कैबेज में से निचोड़ के जो जूस निकला है दैट इज़ रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। कहाँ से ऑप्टेन हो रहा है? रेड कैबेज लीव्स से। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है नेचर से मिल रहा है। इट्स न्यूट्रल कलर इज रेड। इसका न्यूट्रल कलर रेड। कई जगह पे ना पर्पल भी लिख देते हैं, एक ही बात है, रेड रेडिश ब्राउन रेड पर्पल, ठीक है। रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? इट चेंजेस टू ग्रीन। रेड से क्या हो जाएगा? वो ग्रीन हो जाएगा, किसमें? बेसिक सॉल्यूशन। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कहाँ से मिलता है? रेड कैबेज से। कैसा है इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर है। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? रेड होता है। एसिड में क्या रहेगा? इट रिमेन्स रेड। एंड बेस में क्या हो जाएगा? इट टर्न्स ग्रीन। क्या हो जाएगा? इट चेंजेस टू ग्रीन। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ये बस मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन याद रखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ से लेके और यहाँ तक नीचे तक ये जो पोर्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि याद रखा जाए, बट क्या है कुछ बच्चों को पता होता है तो इसलिए वो बच्चे बीच बीच में पूछते हैं कि ये कैसा होगा ये कैसा होगा, तो सारे बच्चे और हैरान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं, किसी ने पूछ लिया, बच्चे को पता है तो बच्चे ने पूछ लिया, ठीक है। तो मैं पहले ही लिखवा देता हूँ तो उसमें किसी को डाउट होगा नहीं। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ग्रेनियम, ये कुछ हमारे पास प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल लिखें जो कॉमनली मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। मैं इन तीनों की ना जो फ्लावर्स हैं, तुमने देखे हुए हैं फ्लावर्स सारे, मैं इनकी फ़ोटो भेज दूंगा तुम्हें भी। ऑल्सो चेंजेस कलर्स विद एसिड एंड बेस। इनके जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं वो एसिड और बेस के साथ ना कलर चेंज करती हैं। जैसे पहला देखते हैं, पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। जो हाइड्रेंजिया है इसके जो है ना यूजुअली ब्लू कलर की होती है, जो मैं तुम्हें फोटो भेजूंगा उसके कलर भी ब्लू है, ठीक है। वैसे मल्टी कलर फ्लावर्स होते हैं कुछ, इसमें वो हाइब्रिड हो जाते हैं। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया आर यूजुअली ब्लू। ये क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पिंक। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? बेस में। ये क्या है? हाइड्रेंजिया का इफेक्ट है। किस में? इसमें बेस में। अब आते हैं पेटूनिया। जो पेटूनिया है इसकी जो कलर होता है, इसका पर्पल रेडिश पर्पल कलर होता है, ठीक है, और ये चेंज कैसे होता है? रेडिश पर्पल टू वायलेट हो जाएगा। किसमें? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश से, रेडिश पर्पल से क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इनके जो फूल का जो कलर है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक कि ये कैसे मीडियम में उगाया जाए, यानी कि सॉइल की पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा वहाँ का टेम्परेचर क्या, और तीसरा क्या है, सनलाइट कितनी मिल रही है। अगर सनलाइट कम मिल रही है तो कलर कुछ और होगा, सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो कलर कुछ और होगा। हमें वो सब नहीं पढ़ना है, वो तो उनके लिए ज़रूरी है जो गार्डनिंग करते हैं कि भाई मुझे इतना रेड कलर का फ्लावर चाहिए तो धूप में रखना है या छाया में रखना है। हमें गार्डनिंग फिलहाल नहीं करनी है, हमें तो पढ़ाई करनी है। तो उसमें बस इतना याद रखना है कि बेस में क्या होगा, जो पेटूनिया है इसमें रेडिश ब्राउन से किस, रेडिश पर्पल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वायलेट। अब नेक्स्ट आता है, और ये ऑरेंज रेड हो जाएगा किस में? एसिडिक सॉल्यूशन। जो पेटूनिया है ऑरेंज रेड हो जाएगा किस, ऑरेंज से रेड टर्न हो जाएगा किस में? एसिडिक सॉल्यूशन। ये चलो पेटूनिया का नहीं, ग्रेनियम का लिखा हुआ है, ग्रेनियम जो है ये क्या है, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में एसिडिक सॉल्यूशन में, और ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। और ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर मार्क किया था, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हें याद रखना ज़रूरी नहीं, बस एक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है।